ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS101 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले है TCP, स्टैंड्स फॉर TCP, जो कि एक एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन भी आती है एमसीक्यूज के अंदर। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और उसके बाद ये कि डैश ब्रेक्स डाउन दी मैसेज, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ब्रेक डाउन करता है मैसेज को टू बी सेंड, कि भेजा जाएगा उसको ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर इन टू पैकेट्स, पैकेट्स के अंदर, सो वो है TCP। उसके बाद ये अ वेरिएबल कैन बी डैश इन स्कोप, एक वेरिएबल जो है वो डैश हो सकता है स्कोप के अंदर, आइथर लोकल लोकल और ग्लोबल, यानी कि लोकल या फिर ग्लोबल। सो थर्ड वन इज द आंसर। और उसके बाद ये क्या प्रोटोकॉल यूज फॉर रिसीविंग ईमेल मैसेज इज कॉल्ड, एक प्रोटोकॉल जिसको यूज किया जाता है रिसीव करने के लिए ईमेल मैसेजेस, वो कहलाया जाता है, इनमें से क्या कहलाया जाता है, वो है SMTP। उसके बाद ये कि कैप्चरिंग इवेंट्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू देम इज कॉल्ड, इवेंट्स को कैप्चर करना और रिस्पॉन्ड करना उनको, वो कहलाता है इनमें से क्या, वो है इवेंट हैंडलिंग। और उसके बाद ये कि इवेंट हैंडलर्स आर प्लेस्ड इन द डैश पोर्शन ऑफ द वेब पेज एज एट्रीब्यूटेड इन HTML टैग्स। सो इवेंट हैंडलर को रखा जाता है कौन से पोर्शन के अंदर वेब पेजेस के एज एट्रीब्यूटेड इन द HTML टैग्स, सो वो रखा जाता है इनको बॉडी पोर्शन के अंदर, बॉडी पोर्शन होता है वेब पेजेस का। उसके बाद ये कि रैंडम फंक्शन रिटर्न्स अ रैंडमली सिलेक्टेड सिलेक्टेड फ्लोटिंग नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन। सो रैंडम फंक्शन जो है वो रिटर्न करते हैं रैंडमली सिलेक्टेड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जो के होते हैं बिटवीन इनके किस से किसके दरमियान तक, वो होते हैं 0 से 1 तक। सो 0 एंड 1 इज द आंसर, सो द फर्स्ट वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि द ऑर्गेनाइजेशंस आर लर्निंग दैट बिजनेस कैन बी डन इन अ मोर इफेक्टिव मैनर, इनके ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन सीख रही है इस चीज़ को कि बिजनेस को किया जा सकता है ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, इफ एम्फेसिस इज प्लेस्ड अपॉन, अगर एम्फेसिस रखा जाए इनमें से किन चीज़ों के ऊपर। सो तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर रखा जाएगा एम्फेसाइज तो इफेक्टिव तरीके से बिजनेस हो सकेगा। इसके अंदर कोऑपरेशन भी आ जाता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और नेटवर्किंग भी, कोऑपरेट किया जाए एक दूसरे के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया जाए, नेटवर्किंग की जाए, नेटवर्क्स बनाए जाएँ बिजनेस के अंदर। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इन रिलेशनल डेटाबेस डेटा स्टोर इन द फॉर्म्स ऑफ, रिलेशनल डेटाबेसिस के अंदर जो डेटा को स्टोर किया जाता है वो किस तरीके से या किस फॉर्म के अंदर किया जाता है, वो किया जाता है टेबल्स की फॉर्म में। उसके बाद ये कि स्पाइस ऑफ वन बिजनेस मॉनिटरिंग द नेटवर्क ट्रैफिक ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स, इसका जवाब है इंडस्ट्रियल SPONAGE। और उसके बाद ये कि डैश टीम कंसिस्ट ऑन द शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड इन द कंपनी, सो ये है आर्किटेक्चर टीम। और उसके बाद है फिर कि अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज इन सच अ वे, एक कलेक्शन होती है डेटा की जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कुछ इस तरीके से कि कंप्यूटर कैन क्विकली सर्च फॉर अ डिजायर्ड डेटा आइटम, कंप्यूटर जो है वो क्विकली तौर पर सर्च कर सकते हैं डिजायर्ड डेटा आइटम के लिए, वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर, वो है डेटाबेस। उसके बाद ये कि डीप ब्लू जो है वो नेम था किसका, इनमें से किसका नाम था, वो था कंप्यूटर का। उसके बाद ये कि डैश जो है इनमें से इस बेस्ट नॉन बिल्डर है सुपर कंप्यूटर के लिए, वो है क्रे रिसर्च। और उसके बाद है फिर कि विच वन इज़ दी एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, सो इसका जवाब है एक्सेल, MS Excel, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, कई सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं उन्हीं में से एक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यहाँ पर ये थोड़ा आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसके लिए सॉरी, कुछ इश्यूज की वजह से जो है वो ये हाईलाइट नहीं हो सका सही तरह। उसके बाद ये कि ब्लू स्पेसिफिक इज़ द नेम ऑफ डैश कंप्यूटर, ब्लू स्पेसिफिक जो है वो नेम है इनमें से कौन से कंप्यूटर का, वो है सुपर। और उसके बाद ये कि डैश आर पावरफुल पीस ऑफ हार्डवेयर बट नॉट मच यूजफुल ऑन देयर ओन, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, वो है तो बहुत पावरफुल पीस हार्डवेयर, यानी बहुत ही पावरफुल हार्डवेयर होते हैं वो, लेकिन वो अगर उनको अलहदा से इस्तेमाल किया जाएगा, अकेले में इस्तेमाल करेंगे तो वो कोई ख़ास यूजफुल नहीं हो सकेंगे, वो है माइक्रो प्रोसेसर्स, यानी कि उनको लगाया जाएगा डिवाइसेस वगैरह में तभी इस्तेमाल हो सकेंगे वो।
और बहुत पावरफुल होंगे, लेकिन अकेले अगर उनको इस्तेमाल किया जाएगा तो कोई खास वो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे भी थोड़ा इशू है। तो एक एल्गोरिथम डेट ऑलवेज टेक्स द बेस्ट इमीडिएट और लोकल सोल्यूशन वाइल फाइंडिंग एन आंसर इज कॉल्ड, वो है ग्रीडी एल्गोरिथम। और उसके बाद है फिर के अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मेनी यूजर, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अलाउ करता है बहुत से यूजर को के टू टेक एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली, के एडवांटेज ले सके कंप्यूटर रिसोर्सेज का साइमल्टेनियसली, वो है क्या मल्टी यूजर। सो अलाउ करता है बहुत से यूजर्स को, सो इसी वजह से इसका आंसर भी जो है मतलब यानी कि आसान है इसको याद रखना कि मल्टी यूजर है इसका आंसर। और उसके बाद ये कि द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 1000 इज, वो है 8। सो जो डेसिमल इक्विवेलेंट है बाइनरी 1000 का वो है 8। और उसके बाद ये कि कंप्यूटर वायरस इज ए, सो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, इनमें से क्या है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस जो है इज अ प्रोग्राम, वो भी एक तरह का प्रोग्राम होता है जिस तरह के बाकी प्रोग्राम्स होते हैं। सो वो भी एक तरह का प्रोग्राम है, लेकिन ये क्या करता है डेट स्प्रेड इटसेल्फ, वो खुद स्प्रेड होता है और वो डिस्ट्रॉय करता है दूसरे प्रोग्राम्स को। ये फ़र्क है कंप्यूटर वायरस और बाकी प्रोग्राम में कि कंप्यूटर वायरस खुद तो स्प्रेड होता है लेकिन दूसरे वायरस को वो डिस्ट्रॉय करता है। और उसके बाद है फिर के अ स्पेशल प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू व्यू SWF एंड के शॉक वेव फ्लैश फाइल्स इन वेब ब्राउजर इज कॉल्ड, वो है प्लगइन। और उसके बाद है फिर के प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड, प्रोसेस डेटा खिलाया जाता है, इनमें से क्या इंफॉर्मेशन खिलाया जाता है। उसके बाद ये कि मैनी डेवलपर राइट दी डैश, बहुत से डेवलपर लिखते हैं डैश को फर्स्ट एंड देन इंक्रीमेंटली कन्वर्ट ईच लाइन इनटू, यानी पहले एक चीज को लिखते हैं और फिर इंक्रीमेंटली तौर पे वो कन्वर्ट करते हैं हर लाइन किसके अंदर। सो स्यूडो कोड के अंदर लिखते हैं और फिर वो इंक्रीमेंटली तौर पे कन्वर्ट करते हैं रियल कोड के अंदर। सो स्यूडो कोड एंड रियल कोड यानी कि सेकंड वन इज द आंसर। और उसके बाद ये कि व्हेन वी बाय अ सॉफ्टवेयर पैकेज वी डू नॉट रियली बाय इट, हम जब भी जब कभी भी सॉफ्टवेयर पैकेज को बाय करते हैं हम रियली तौर पे तो उसको बाय नहीं करते, वी जस्ट बाय अ लाइसेंस, एक्चुअली लाइसेंस को बाय करते हैं दैट अलाउ अस टू यूज द डैश स्टेज विद द मेकर। सो ऑनरशिप जो है उसी के पास रहती है जो मेकर है बनाने वाला है, चाहे हम लाइसेंस कॉपी बाय करें या कोई सी भी कॉपी बाय करें। हमें लाइसेंस ही मिलता है, हमें ऑनरशिप नहीं मिलती अगर हम कभी भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बाय करते हैं। ऑनरशिप उसी के साथ रहती है जो बनाने वाला होता है। उसके बाद ये कि नेम बॉर्डर एंड सोर्स आर डैश ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट, नेम बॉर्डर सोर्स ये जो एक डैश है इमेज ऑब्जेक्ट का, ये है प्रॉपर्टीज। उसके बाद एक डैश इज इन एग्जीक्यूटिव टीम, इनमें से कौन सा जो है वो एग्जीक्यूटिव टीम में है, वो है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं उसको। और उसके बाद ये कि मॉड्यूल लेवल डिजाइन एंड यूनिट टेस्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अब ये जो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी है, डेवलपर की। उसके बाद ये डैश इज अ फील्ड, इनमें से डैश जो है वो एक फील्ड है डैट यूनिकली आइडेंटिफाई, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच रिकॉर्ड स्टोर्ड इन अ टेबल, हर रिकॉर्ड को जो कि स्टोर्ड होता है एक टेबल में, वो है प्राइमरी की। और उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट इन अ वेब पेज, बाय डिफॉल्ट जो एक वेब पेज के अंदर हाइपर लिंक फॉर अनदर वेब पेज इज रिप्रेजेंटेड एज, हाइपर लिंक जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है दूसरे पेज के लिए किस तरह से ब्लू एंड अंडरलाइन, यानी कि बाय डिफॉल्ट, उसको बाय डिफॉल्ट हम कैसे देखते हैं यानी कि बगैर कुछ चेंजेस किए हुए वो कैसा है, ब्लू और अंडरलाइन। उसके बाद ये विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर डिजाइनिंग अ मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट ऑप्शन है डिजाइन करने के लिए एक मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम, वो है रूल बेस्ड सिस्टम। उसके बाद ये वेरिएबल अलाउज अस, हमें अलाउ करते हैं वेरिएबल टू मैनिपुलेट डेटा, कि हम मैनिपुलेट करें डेटा थ्रू दी किसके जरिए रेफरेंस। उसके बाद ये है कि जावा स्क्रिप्ट, इन जावा स्क्रिप्ट के अंदर व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन 79% 3, सो इसका जवाब है 1। और उसके बाद ये वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस बाय, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया किसने, ट्रांजिस्टर्स ने। और उसके बाद ये अ ट्रांजिस्टर इज अ सॉलिड स्टेट सेमी कंडक्टर डिवाइस, ट्रांजिस्टर है क्या असल में, सॉलिड स्टेट सेमी कंडक्टर डिवाइस है, यूज फॉर एप्लीकेशन, यूज किया जाता है एप्लीकेशन के लिए एंड स्विचिंग एंड हैज डैश टर्मिनल्स, और इसके टर्मिनल कितने हैं 3। उसके बाद ये मॉन्टी कार्लो एल्गोरिथम इज एन एग्जाम्पल ऑफ
ये जो एग्जाम्पल है मोंटी कार्लो एल्गोरिथम, इनमें से किसकी? रैंडमाइज एल्गोरिथम की। उसके बाद ये व्हाट इज द की फीचर ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा ऑप्शन कंप्यूटर का की फीचर विच इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, क्योंकि इंसानी जो नेचर है उसके अगेंस्ट है, यानी कि इंसान के अंदर वो चीज़ पाई जाती है लेकिन सॉरी इंसान के अंदर वो चीज़ नहीं पाई जाती, कंप्यूटर में पाई जाती है लेकिन इंसान में नहीं पाई जाती, वो है कांट गेट बोर्ड। कंप्यूटर जो है वो बोर्ड नहीं हो सकता, सो इंसान हो सकता है कंप्यूटर नहीं हो सकता, ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है इसी वजह से। उसके बाद ही गए डैट डैश वाज डिजाइन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ टाइपराइटर, इनमें से किसको डिजाइन किया गया टाइपराइटर की रिप्लेसमेंट के लिए? वो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर टाइपिंग वगैरह की जाती है। और उसके बाद ये कि टू डिस्प्ले अ चेक बॉक्स, चेक बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए ऑन द वेब पेज वी यूज डैश टैग, हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? इनपुट। और उसके बाद ये कि यूज कॉल स्पैन, नंबर ऑफ रोज ऑफ द करंट सेल शुड एक्सटेंड इटसेल्फ नन, सो इसका जवाब है क्या? डाउनवर्ड। और उसके बाद ये डैश इज अ रिलेटेड कलेक्शन ऑफ www फाइल्स, एंड से कौन सा ऑप्शन है वो कलेक्शन है www फाइल्स का दैट इंक्लूड्स अ बिगिनिंग फाइल, जिसके अंदर एक बिगिनिंग फाइल भी होती है कहलाती है होम पेज, सो इसका जवाब है सिंपल वेबसाइट। आज के दौर में वेबसाइट एक काफ़ी कॉमन चीज़ है जो कि एक कलेक्शन होती है www फाइल्स की, और आप देखते हैं कि ज़्यादातर वेबसाइट्स के शुरू में आपको www. इस तरह करके एड्रेसेस दिखाई देते हैं जो URL होता है उसका। उसके बाद एक कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर ऑफर, वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में ट्रांजिस्टर्स ऑफर करते हैं क्या? मच स्मॉलर साइज, इनका साइज बहुत कम है, बैटरी रिलायबिलिटी होती है और मच लोअर कॉस्ट, और कॉस्ट भी कम है, सो ऑल ऑफ द गिविंग चॉइसेस। उसके बाद ये कि वर्ड प्रोसेसर इज अ डैश, वर्ड प्रोसेसर है क्या? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की कई सारी टाइप्स हैं, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद एक इन जावा स्क्रिप्ट वाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, सो इसके जवाब में वन ये रिपीट हुआ है। उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज यूज बाय माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो करता है? बाइनरी। उसके बाद ये कि वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड, वेबसाइट कलेक्शन है इनमें से किसका? रिलेटेड किसका? वेब पेजेस, रिलेटेड वेब पेजेस की कलेक्शन है, ऐसे वेब पेजेस जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जब आप वेबसाइट को विजिट करते हैं आपको कई सारे वेब पेजेस दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो चाहे सेम हो या ना हो, सेम एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। और उसके बाद ये व्हाट हैपेंस इफ आई स्टार्ट अ न्यू लिस्ट विदाउट क्लोजिंग द ओरिजिनल वन, अगर नई लिस्ट को स्टार्ट किया जाएगा बगैर क्लोज किए हुए जो ओरिजिनल है उसको, सो क्या होगा? एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद ये द आइडिया ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स फील्ड इज बेस्ड अपॉन, जो आइडिया है न्यूरल नेटवर्क्स का वो बेस करता है, न्यूरल नेटवर्क फील्ड का वो बेस करता है किसके ऊपर? ह्यूमन ब्रेन्स के ऊपर। उसके बाद ये द डैश इज द ओल्डेस्ट ओल्ड प्रोफेशन विच इज बीइंग एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ कंप्यूटिंग, कौन सा ऐसा पुराना प्रोफेशन है जो कि एलिमिनेट हो चुका है कंप्यूटिंग की वजह से? वो है टाइपिस्ट का। उसके बाद ये द सिस्टम दैट मैनेजेस रिलेशनल डेटाबेसेस इज कॉल्ड, ऐसा सिस्टम जो कि मैनेज करता है रिलेशनल डेटाबेसेस वो कहलाता है क्या? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ये कि व्हेन वेब सर्वर इज बिजी इट गिव्स द फॉलोइंग मैसेज टू द यूजर, जब वेब सर्वर बिजी होता है वो देता है इनमें से कौन सा मैसेज यूजर को? वो है सर्वर बिजी। उसके बाद है कि ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज कंसर्न विद द कैप्चरिंग प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो कहलाता है इनमें से क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है कि डैश टीम कंसिस्ट ऑफ द शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड्स इन दी कंपनी, कौन सी टीम ऐसी होती है जिसमें शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड होते हैं कंपनी के? वो है आर्किटेक्चर टीम, और ये पहले भी आ चुका है। उसके बाद ये कि जो कलेक्शन होती है डेटा की ऑर्गेनाइज किया जाता है इन सच अ वे कुछ इस तरीके से दैट द कंप्यूटर कैन क्विकली सर्च फॉर अ डिजायर्ड डेटा आइटम, कि कंप्यूटर तेजी से सर्च कर सके जो भी डिजायर्ड डेटा आइटम है वो है क्या? वो है डेटाबेस। उसके बाद ये कि पॉपुलर स्कीम्स यूज फॉर रिड्यूसिंग बाइट्स फॉर स्टोरेज आर, जो पॉपुलर स्कीम्स यूज की जाती है रिड्यूसिंग करने के लिए बाइट्स स्टोरेज के लिए वो कहला है क्या? कलर मैपिंग और दी थिंग। उसके बाद ये कि विच इज़ द यूज़र फ्रेंडली वे ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा, यूज़र फ्रेंडली जो तरीका है डेटा को प्रेजेंट करने का वो इनमें से क्या है? रिपोर्ट। उसके बाद ये कि स्पीकर फॉल इन टू दी हार्डवेयर कैटेगरी, स्पीकर जो है वो हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर आते हैं, सो ये ट्रू है क्योंकि स्पीकर हार्डवेयर है। उसके बाद ये कि मॉड्यूल लेवल डिज़ाइन एंड यूनिट टेस्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपर की, रिपीट हुआ ये। उसके बाद ये कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो था वो कौन सा था? पहला जो कंप्यूटर का नेटवर्क था वो था आर्पानेट। और उसके बाद ये कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन,
जो एक कॉम्बिनेशन है वर्ड प्रोसेसिंग का और ग्राफिक डिजाइन का, वो है क्या, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसके बाद ये द ऑर्गेनाइजेशन इज द कलेक्शन ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कलेक्शन है किसकी, पीपल्स, लोगों की। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कई सारे लोग दिखाई देंगे। सो जब कई सारे लोग मिलके काम करते हैं उस जगह को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।